आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक व्हाट इज द कलर कोड फॉर इलेक्ट्रिक वायर, मतलब कि इलेक्ट्रिक वायर का कलर कोड क्या होता है, हम कहां पर कौन सी कलर की केबल का उपयोग करते हैं। दोस्तों यह वीडियो इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम सभी को यह तो पता है कि हम जहां से भी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स का उपयोग करते हैं उसको हम मुख्य तौर से तीन टाइप में बांट देते हैं, जिसमें हम सबसे पहले थ्री फेज के उपकरण को उपयोग में लेते हैं, इसके अलावा हम सिंगल फेज के उपकरण को उपयोग करते हैं जिसके अंदर हम फेज और न्यूट्रल की सप्लाई यूज में लेते हैं, और तीसरे नंबर पर हम हमारी डीसी सप्लाई को उपयोग में लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों की पावर सप्लाई होती है। तो दोस्तों अब आखिरकार किस सप्लाई पर, किस सोर्स पर हम कौन से वायर का उपयोग करेंगे उसी के बारे में हम अच्छे से जान लेंगे। और कुछ लोगों के मन में एक और कंफ्यूजन यह भी रहता है कि कई बार हम जब थ्री कोर की केबल आते हैं तो उस थ्री कोर केबल के अंदर हमारे एक ब्लू वायर होता है, एक ब्राउन वायर होता है और एक ग्रीन वायर होता है, तो आखिरकार ऐसा क्यों है, यह कलर कोड हमें क्या बताता है। तो दोस्तों इन सभी पॉइंट के ऊपर हम एक एक करके जान लेंगे, तो बिना ज्यादा देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में हम डायरेक्ट इसके जवाब के ऊपर आ जाते हैं और सभी वायर के कलर का उपयोग किस जगह किया जाए वो हम आसानी से समझ लेते हैं। दोस्तों यह जो एक इमेज आपके सामने है, इस इमेज के अंदर आपको सभी कंट्री की कलर कोडिंग पता चल जाएगी इलेक्ट्रिकल की। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे यूएस कनाडा की कलर कोडिंग है जो की 240 वोल्टेज तक की अलग कलर कोडिंग होती है यहाँ पे। इसके बाद में अगर हम 250 के ऊपर वोल्टेज की बात करें तो उसकी कलर कोडिंग यूएस के अंदर और कनाडा में अलग तरीके से होती है। इसके बाद में नेक्स्ट कलर कोडिंग यूके की, यूरोप की है तो यहाँ पे कलर कोड यूरोप का है। इसके बाद में चाइना का कलर कोड आप देख सकते हो, तो यहाँ पे चाइना का कलर कोड है। दोस्तों चाइना के कलर कोड में आपको बाकी कलर कोड से एक चीज अलग यह देखने को मिलती है, हम सभी जो ग्रीन वायर होता है इस ग्रीन वायर को हमेशा अर्थ ग्राउंडिंग के लिए उपयोग में लेते हैं, लेकिन चाइना के अंदर जो ग्रीन वायर होता है इस ग्रीन वायर को फेस सप्लाई को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चाइना के अंदर L1, L2 और L3 ये जो तीनों फेस है इसके लिए येलो, ग्रीन और रेड फेस का उपयोग लिया जाता है, जबकि इंडिया के अंदर हम रेड, येलो और ब्लू फेस का उपयोग लेते हैं। तो चाइना में एक चीज यह बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है। इसके अलावा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की कलर कोडिंग आप देख सकते हो, जापान की कलर कोडिंग और यहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की कलर कोडिंग बिल्कुल सेम है। अभी के लिए दोस्तों सिर्फ हम इंडिया की कलर कोडिंग देख लेते हैं और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की भी कलर कोडिंग सेम यही है। अगर हम इंडिया के अंदर कहीं पे थ्री फेज सप्लाई को भेजते हैं तो उस समय हम जो थ्री वायर होते हैं उसको रेड, येलो और ब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि रेड वायर से L1 सप्लाई, येलो वायर से हमारी L2 सप्लाई और ब्लू वायर से हमारा थर्ड फेज मतलब L3 सप्लाई को हम भेजते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हमारा ब्लैक वायर बच जाता है। इस ब्लैक वायर का उपयोग हम न्यूट्रल के लिए करते हैं, तो यह तो आप सभी को ही पता है। इसके बाद में दोस्तों हमारी जो अर्थिंग होती है उस अर्थिंग का उपयोग इंडिया के अंदर हम इस तरीके की केबल से करते हैं, मतलब कि हमारी जो केबल ग्रीन भी होती है और उसके अंदर कुछ येलो का भी शेड होता है, तो ग्रीन और येलो मिक्स जो केबल होती है उसको हम अर्थिंग के लिए उपयोग में लेते हैं। लेकिन आपने कई बार देखा होगा हम बिल्कुल प्योर ग्रीन कलर की केबल का उपयोग भी अर्थिंग के लिए करते हैं। और इसके बाद में यहाँ पे एक रेड और एक ब्लैक केबल बच जाती है, इसका उपयोग हम सिंगल फेज की सप्लाई के लिए करते हैं, मतलब कि कहीं पर हमको सिंगल फेज मतलब एक फेज और एक न्यूट्रल भेजना है तो फेज वायर तो हम रेड से भेजेंगे और न्यूट्रल को हम ब्लैक वायर से भेजेंगे। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर इंडिया के इलेक्ट्रिक कलर कोड को देख लिया है, लेकिन इसको देखने के बाद भी हमारे मन में एक और सवाल यह रह जाता है कि इस पूरे इलेक्ट्रिक कलर कोड के अंदर कहीं पे भी हमने ब्राउन वायर का जिक्र नहीं करा, हमने कहीं पर भी व्हाइट का जिक्र नहीं करा, जबकि हमारा जो ब्राउन वायर है इस ब्राउन वायर को हम इस इलेक्ट्रिक केबल में भी देख सकते हैं। तो आखिरकार इस इलेक्ट्रिक केबल का क्या काम है और हमारी ब्राउन कलर की केबल और व्हाइट कलर की केबल हमें क्या बताती है, इसको भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए आपको एक बहुत जरूरी बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो इंडिया का कलर कोड है वो हमारा बदल चुका है। सबसे पहला पॉइंट जो इंडिया के कलर कोड में चेंज किया गया है वह किया गया है कि हम जो सिंगल फेज सप्लाई को उपयोग में लेते हैं, कहीं पर भी हम फेज और न्यूट्रल को भेजते हैं तो उसके लिए हम पहले क्या करते थे, एक रेड वायर को उपयोग लेते फेज के लिए और न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक वायर को उपयोग में ले लेते थे। लेकिन दोस्तों इसको बदलकर अभी इंडिया के अंदर जो नया इलेक्ट्रिक कलर कोड आया है उसके अंदर अगर हम कहीं पर भी सिंगल फेज सप्लाई को भेजते हैं तो वहां पर अब हम रेड को हटाकर ब्राउन वायर को उपयोग लेते हैं। अब आखिरकार यहाँ पे ब्राउन वायर को उपयोग लेने से क्या हमें फायदा मिलता है, तो यहाँ पे एक फायदा यह मिल जाता है कि हमारी जो थ्री फेज की सप्लाई है उसको तो हम रेड, येलो और ब्लू से पता कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसी थ्री फेज के पास में ही सिंगल फेज की सप्लाई भेजते थे तो हम कंफ्यूज होते थे क्योंकि इधर भी रेड फेज है और इधर भी रेड फेज है। तो इसी से बचने के लिए क्या किया गया कि अगर हम कहीं पे सिंगल फेज ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस समय हम रेड की जगह ब्राउन वायर का उपयोग लेंगे। और यहाँ पर एक और चीज चेंज की गई है वो न्यूट्रल के अंदर की गई है कि अगर हम कहीं पर थ्री फेज की सप्लाई के साथ में न्यूट्रल को भेज रहे हैं
तो उस समय तो हम ब्लैक वायर का ही उपयोग लेंगे, लेकिन अगर हम सिंगल फेज सप्लाई के साथ में न्यूडल को भेज रहे हैं तो उस समय हम ब्लू वायर को उपयोग में लेंगे। तो यही चीज आपको इस चित्र के अंदर भी देखने को मिलती है। यह जो केबल है यह केबल इंडिया के नए इलेक्ट्रिकल कोड के हिसाब से डिजाइन की गई है। तो यहाँ पे सिंगल फेज की सप्लाई भेजने के लिए हमारा ब्राउन वायर को उपयोग लिया है रेड को हटा के, और हमारा न्यूट्रल को भेजने के लिए ब्लैक को हटा के ब्लू वायर का उपयोग में लिया है। तो सब इतनी बातें जानने के बाद में आपको लगभग सभी कलर के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन अभी भी हमारे पास में एक व्हाइट कलर का कंफ्यूजन रह जाता है कि आखिरकार ये व्हाइट कलर को हम कहाँ पे उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और कलर जो इस चित्र में नहीं है वह है हमारा ग्रे कलर, कि आखिरकार ये व्हाइट कलर और ग्रे कलर इन दोनों का उपयोग कहाँ है, तो उसको भी हम जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने जो भी कलर कोड जाने हैं वो हमने थ्री फेज सप्लाई के लिए जाने हैं और साथ ही साथ सिंगल फेज की सप्लाई को ट्रांसफर करने के लिए जाने हैं, मतलब एक फेज और एक न्यूट्रल को भेजने के लिए जाने हैं। लेकिन अभी तक हम डीसी सप्लाई को भूल चुके हैं कि आखिरकार डीसी में हम कौन से कलर कोड को उपयोग में लेते हैं। तो यह जो हमारा व्हाइट और ग्रे वायर बच जाता है इसका हम मुख्य तौर पर डीसी में उपयोग लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट डीसी कलर कोड की बात करें तो डीसी के अंदर हमें पता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, यहाँ पे फेस न्यूट्रल नहीं होता है। तो डीसी की पॉजिटिव सप्लाई भेजने के लिए हम रेड वायर का उपयोग लेते हैं, और अगर हम डीसी की नेगेटिव भेजना चाहते हैं तो उस जगह हम ब्लैक वायर का उपयोग लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हमें डीसी सप्लाई में कहीं पे ग्राउंड को शो करना है तो उस जगह पर हम ग्रे वायर और व्हाइट वायर के कलर कोड को उपयोग में लेते हैं। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली आपको काफी कम जगह ही ये व्हाइट कलर और ग्रे कलर उपयोग में दिखेगा, क्योंकि हम सभी ग्रीन कलर से इतने कनेक्ट हो चुके हैं, इसी वजह से प्रैक्टिकल इंडस्ट्री के अंदर ज्यादातर ग्राउंड के लिए ग्रीन कलर का उपयोग लिया जाता है। लेकिन अगर आप कोई नई मशीनरी देखोगे तो उसके अंदर हमेशा अर्थिंग के लिए आपको व्हाइट कलर या ग्रे कलर ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। अगर आपको इन तीनों में से किसी भी टेबल की आवश्यकता है तो यह टेबल आप हमारी वेबसाइट engineeringdosh.com से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो को लाइक करके बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति लगे तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके की और भी इलेक्ट्रिकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।